बालाघाट से है, जहां बालाघाट में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कुशाभाऊ ठाकरे का जन्मदिवस जन्म शताब्दी के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत 20 जनवरी से 30 जनवरी तक समस्त जिले में बूथ विस्तारक योजना लागू की जा रही है। 20 जनवरी से 30 जनवरी तक पूरे जोर के साथ जिले के समस्त भाजपा कार्यकर्ता जिले के हर बूथ पर जाकर बूथ विस्तारक योजना चालू करने जा रहे हैं, जो कि 20 जनवरी 2022 से 30 जनवरी 2022 तक चलाया जाएगा। इस विशेष अभियान में बालाघाट भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश भटेरे ने बताया कि हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जो हर पार्टी से अलग है। पार्टी का जो विशाल रूप आप देख रहे हैं, यह हमारी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता की देन है, जो इतनी मेहनत कर भाजपा पार्टी इस विशाल रूप को बनाने में सफल हुए। हर बूथ में जाकर 20 लोगों के बीच बैठते हैं और जनहित के विचारों को साझा करते हैं, उनके समस्त समस्या का निराकरण कर कमियां दूर करते हैं। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा बालाघाट भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश भटेरे ने। हार्दिक स्वागत वंदन है भाजपा कार्यालय में। हमारे प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार आज आप सभी पत्रकार मित्रों को भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आयोजित किया गया है। हम सबके गौरव और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी का यह जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। आगामी जो कृष्ण जन्माष्टमी आएगी, उस कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। इस 100 वर्ष की पूर्णायु को भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया है, और इसी जन्म शताब्दी वर्ष के चलते अलग अलग समय में अलग अलग कार्यक्रम मध्य प्रदेश भाजपा के द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में, चूंकि श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी ने हमेशा अपने पूरे जीवन काल भर भाजपा को बूथ स्तर तक बढ़ाने के लिए एक नई नए नए आयाम स्थापित किए, नए नए प्रयोजन किए, और उसी का परिणाम भी रहा कि आज हम भारतीय जनता पार्टी का एक विशाल स्वरूप देख रहे हैं। उसी कड़ी में मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी ने श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी की सोच को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रदेश भाजपा के लिए लाया हुआ है, और उस कार्यक्रम का नाम है बूथ विस्तारक योजना। पूरे देश में आज यह बूथ विस्तारक योजना सभी राजनीतिक दलों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इस योजना के अंतर्गत जो कॉन्सेप्ट और जो कार्य पद्धति दी गई है वो वास्तव में अपने आप में अद्वितीय है। एक और जहां पूरी दुनिया डिजिटल हो रही है, पूरा मोबाइल पे दुनिया आ रही है, हमारा पूरा देश जहां डिजिटल होते आ रहा है, उसी कड़ी में मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने आप को अपने पूरे कार्यकर्ताओं का मैन्युअली भी और साथ ही साथ डिजिटल संग्रहण का काम किया है, काम हम लोग करने के लिए जा रहे हैं। कल 20 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक हमारे सभी मतदान केंद्रों में, हमारे सभी शक्ति केंद्रों में, बालाघाट जिले में कुल मिलाकर के 268 शक्ति केंद्र, जिसमें नगर और ग्रामीण क्षेत्र शामिल है, 268 शक्ति केंद्र है, और इन सभी 268 शक्ति केंद्रों में प्रत्येक केंद्र में दो दो कार्यकर्ता के हिसाब से 10 दिन आगामी 20 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक प्रत्येक हमारा कार्यकर्ता अपने प्रतिदिन का 10-10 घंटे भारतीय जनता पार्टी के बूथ विस्तार की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उस कड़ी में ही आज लांजी और बालाघाट की हमारी कार्यशालाएं भी संपन्न हुई है, और कल हमारी बैहर, कटंगी, वाराणसी और परसवाड़ा विधानसभा की भी कार्यशालाएं संपन्न होने जा रही है।